नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में 7 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। अब तक 66.94% मतदान हुआ है। बिलासपुर का जिक्र करें, यहां पर 60.05% मतदान हुआ। दुर्ग का जिक्र करें तो 67.33% मतदान हुआ है। जांजगीर में 62.44% वोटिंग हुई तो वहीं कोरबा में 70.60% मतदान हुआ। रायगढ़ में 76.34% वोटिंग हुई। रायपुर में 61.25% मतदान हुआ। सरगुजा लोकसभा में 74.17% वोटिंग हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से लोग मतदान करने पहुंचे। उत्साहपूर्वक लोग पहुंचे, अलग अलग जगह से, दूर दराज से लोग पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले तो ये तस्वीर आपको दिखाएं, बीजेपी के नेता जो हैं, प्रत्याशी हैं वो, और कांग्रेस के प्रत्याशी, इन सभी की ये तस्वीरें हैं। आगे आपको लोगों की भी तस्वीर दिखाएंगे जिनमें उत्साह चरम पर रहा। ये तो अभी प्रत्याशियों की है तस्वीरें, 10 तस्वीरें जहां पर ये प्रत्याशी पहुंचे, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। और सुबह से ही उन्होंने अपील की कि आप सब भी अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। बिलासपुर में कुल 60.05% मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र वोटिंग प्रतिशत बेलतरा की बात करें, 61.69% मतदान हुआ। बिलासपुर में 54.57% मतदान हुआ। बिल्हा का जिक्र करें तो यहां पर 63.80% मतदान हुआ। कोटा में 58.60% मतदान हुआ। लोरमी में 62.77% मतदान। मस्तूरी में 53.40% मतदान हुआ। मुंगेली में 63.17% मतदान हुआ। तखतपुर में 63.12% मतदान हुआ। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग का जिक्र करते हैं। कुल यहां पर 67.33% मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें, पाटन की बात करते हैं, यहां पर 71.23% मतदान हुआ। दुर्ग ग्रामीण का जिक्र करें तो 69.49% मतदान हुआ। दुर्ग शहर की अगर बात करें तो यहां पर 63.78% मतदान हुआ। भिलाई नगर में 59.86% मतदान। वैशाली नगर में 73.84% मतदान। अहिवारा में 68.48% मतदान। साजा में 69.01% मतदान। बेमित्रा में 71 से ज्यादा। नवागढ़ में 67 से ज्यादा। दुर्ग में मतदान को लेकर एक उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बीमार बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस से वोट डालने के लिए पहुंच गई। महिला कमर की हड्डी टूट जाने की वजह से पिछले 5 महीनों से बिस्तर पर है, जो मतदान करने के लिए एम्बुलेंस से पोलिंग बूथ पर पहुंची और स्ट्रेचर पर लेटकर मतदान किया। महिला ने कहा कि वो वोट डालना मेरा अधिकार है। इस महिला ने दूसरे लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व पर अलग अलग तरह के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। हर कोई इस महायज्ञ में आहुति देना चाह रहा है और देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के सामने एक एम्बुलेंस लगी हुई है और एम्बुलेंस में एक पेशेंट है जो इस महापर्व पर अपनी आहुति देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। उठने की हिम्मत नहीं है लेकिन उनको एम्बुलेंस में लेकर आया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर ये एम्बुलेंस में पेशेंट है और उनके साथ में परिवार के लोग भी हैं। सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से आज यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग? सर, मैं ड्यूटी से घर आया तो माता जी ने बोला कि मुझे वोट करना है, तो हम लोग तो वोट दे के आ चुके थे। तो फिर मैं बोला कैसे ले जाएंगे, तो इनके पैर में फ्रैक्चर है तो ये बेड से उठ तो सकती नहीं है। तो फिर मैंने एक बात करके एक मैं एम्बुलेंस को बुलाया और फिर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से फिर उनको लेके आए वोट डालने के लिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को वोट देना चाहिए। अब ये ऐसी स्थिति में है तो भी वोट दे रही हैं, लेकिन और भी लोगों को भी ऐसा है कि उनको वोट देना चाहिए। जब इस परिस्थिति में भी इनकी इच्छा है, मतलब इनकी खुद की इच्छा है कि मुझे वोट देना है, कैसे भी करके मुझे वोट देने जाना है, तो ऐसा उनने इच्छा बताया। तो फिर मैंने व्यवस्था किया एम्बुलेंस की और फिर आके हम लोग यहाँ लेके आए वोट देने के लिए। आप उठ नहीं पा रहे लेकिन वोट देने के लिए आए हैं, कैसा? हर किसी का वो है ना अधिकार वोट देने के लिए, इसीलिए परेशानी है फिर भी वोट देने के लिए। हाँ, फिर भी आए हैं परेशानी के कारण भी।
वोट देने के लिए नहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये है लोकतंत्र जहाँ पर लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए किस तरह से पहुँच रहे हैं। निस्संदेह एक ये बड़ा उदाहरण है कि जब कोई घर से नहीं निकलता है, जब अपने मतों का प्रयोग नहीं करता, और ये सब ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो लोगों से सीखना चाहिए। आज एक पेशेंट जो है मत देने के लिए पहुँचा हुआ है और ये सभी से अपील भी की जा रही है कि लोकतंत्र का जब महापर्व चल रहा हो, एक सबसे बड़ा महापर्व हो, तब उसमें सभी को आहुति देने चाहिए। और आज लोग आहुति दे भी रहे हैं और जो नहीं दिए उनसे भी अपील है कि वे जल्द से जल्द पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जिक्र आप जांजगीर चांपा का करेंगे। यहां पर कुल 62.44% मतदान हुआ। अकलतरा का यहां पर जिक्र किया जाए तो 62.12%, कसडोल में 62.16%, चंद्रपुर में 55.75% मतदान हुआ। जांजगीर चांपा की हम बात करें 68.45% मतदान हुआ। जयपुर में 60.42% मतदान हुआ। पामगढ़ का जिक्र किया जाए तो 60.90% मतदान हुआ। भिलाईगढ़ में 64.23% मतदान हुआ। सक्ती में 56.27% मतदान हुआ है। और अब चलिए कोरबा की भी बात कर लेते हैं। यहां पर 70.60% मतदान हुआ है। बैंकुटपुर में 76.65%, भरतपुर सोनहात में 79.90%, कटघोरा में 70.929%, कोरबा में 58.03%, मनेन्द्रगढ़ में 67.83%, मरवाही में 71.46%, पाली ताना खार में 76.49%, रामपुर में 68.44%। कोरबा में आंधी के साथ ही बारिश हुई है। वहीं कटघोरा विधानसभा के छुरी कला के संगवारी मतदान केंद्र में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मतदान कराया गया। यहां बीएलओ मोबाइल की रोशनी में लोगों के नाम लिस्ट में खोजकर पर्ची देते नजर आए। बिजली नहीं होने से यहां धीमे मतदान हुआ। और अब जिक्र रायगढ़ का, यहां पर कुल मतदान हुआ है 76.34%, जहां पर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत की, धरमजयगढ़ की बात करते हैं 81.76%, जशपुर में 72.55%, खरसिया में 79.97%, हुनपुरी में 76.14%, लेलुंगा में 80.89%, पत्थलगांव में 75.65%, रायगढ़ में 71.67%, सारंगगढ़ में 70.79% प्रतिशत मतदान हुआ है। रायपुर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर कुल 61.25% मतदान हुआ है। अभनपुर का अगर जिक्र किया जाए 67.58%, आरंग में 67.99% मतदान। धरसेवा की बात करें 72% से ज्यादा, बलौदाबाजार में 68% से ज्यादा, भाटापारा में 65.91%, रायपुर ग्रामीण में 52.83%, रायपुर नगर उत्तर में 53.44%, रायपुर नगर दक्षिण में 57.32%, वहीं रायपुर नगर निगम पश्चिम में 50.08% मतदान हुआ। सरगुजा लोकसभा की बात की जाए तो यहां पर 74.17% कुल वोटिंग हुई है। प्रेमनगर का सबसे पहले बात करें 74.66%, भटगांव में 73.98%, प्रतापपुर में 77.73%, रामानुजगंज में 72.96%, सामरी में 76.37%, लूनपुरा में 75.62%, अंबिकापुर में 70.46%, सीतापुर में 71.93% मतदान हुआ। बलरामपुर की बात करते हैं। पहाड़ी कोरबा मतदान के लिए 8 किलोमीटर पहाड़ी पार कर जंगल के रास्ते मतदान करने पहुंचे और 68 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। बचवार गांव के मतदाताओं ने पैदल पहाड़ जंगल को पार कर मतदान किया। मतदान को लेकर उत्साह, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बलरामपुर की तस्वीरें, 68 मतदाताओं ने मताधिकार का अपना प्रयोग किया और कई किलोमीटर का रास्ता
पार कर करके पहाड़ पार करके ये मतदान केंद्र तक पहुंचे। सूरजपुर में शादी से एक दिन पहले वोट डालने पहुंची दुल्हन, हल्दी की रस्म के दौरान मतदान करने के लिए दुल्हन पहुंच गई। पटना गांव के बगियापारा बूथ में मतदान दुल्हन के द्वारा किया गया। शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने वोट डाला, ये तस्वीर सूरजपुर की। यहाँ क्या करने थे? वोट देने। कब तुम्हारी शादी है? परसों को मेरी शादी है। तो शादी के इतने बिजी समय में भी कैसे समय निकाले वोटिंग के लिए? क्योंकि वोट मतदान हमारा अधिकार है, वोट सबको देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का गांव का सारा चीज का विकास हो सके, इसलिए वोट सभी को देना चाहिए। और ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई अलग अलग जगह की, ये भी बताया कि वोट परसेंटेज आखिर कहां पर कितना रहा। सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर कितना उत्साह आज मतदाताओं में देखा गया, और साथ ही साथ क्या जहन में मुद्दे रहे लोगों के जो जहन में रख करके उन्होंने वोट किया। अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरबा से आकाश शुक्ला हैं, रायपुर से तनु वर्मा हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य हैं, अंबिकापुर से श्रवण महंत हैं। सबसे पहले कोरबा का रुख कर लेते हैं, आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आखिर आज कैसा उत्साह आपने देखा कोरबा में मतदाताओं को लेकर के? आखिर मतदाताओं ने क्या सोचा, क्या जहन में रख करके वो वोट कर रहे थे, और कैसी तस्वीरें आज नजर आई? सात बजे से शाम को छह बजे तक कोरबा में भी मतदान हुआ है, और जैसी अपेक्षा प्रशासन कर रहा था, जैसी अपेक्षा वहां के प्रत्याशी जनप्रतिनिधि कर रहे थे, वो उत्साह देखने को मिला। सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले लोगों की लंबी कतार लग गई थी। बता दें यहाँ पर जो मतदाता थे, कुल वोटर के सबसे ज़्यादा मतदाता जो थे वो महिला मतदाता थे, तो सबसे पहले लाइन में लगे वो दिखे। आदर्श मतदान केंद्रों की बात करें या सामान्य मतदान केंद्रों में महिला मतदाता वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। मौसम का भी अच्छा योगदान था, ठंडा मौसम था, तो इस वजह से सुबह सुबह जो भीड़ थी मतदाताओं का उत्साह के साथ वो मतदान केंद्रों में नजर आया। हालांकि दोपहर का समय थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुआ मतदान केंद्रों में फिर से वही भीड़ नजर आई। बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, लेकिन फिर भी मतदाता नजर आए यहाँ पर, लगातार वोट देते रहे। 70% से अधिक 5 बजे तक मतदान हुआ है, और ये आंकड़ा बढ़ेगा, प्रशासन अपडेट इसे करेगा। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें, किन मुद्दों पर मतदाता वोट दिए, तो उनके जहन में था कि विकास, जो विकास के दावे पूर्व नेता किए थे, जनप्रतिनिधि किए थे, तो वो कितने खरे उतरे वो ध्यान में था। हमने जब मतदाताओं से बात किए तो कुछ मतदाता मुखर होकर मुद्दों को लेकर बोल रहे थे कि कितना विकास हुआ और क्या काम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अधिकांश मतदाता साइलेंट थे, तो छत्तीसगढ़ जैसे जाना जाता है कि साइलेंट वोटर यहाँ पे रहते हैं, विकास के मुद्दे तो होते हैं लेकिन किसी तरीके से वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ मतदान जरूर करते। तो वो था सरकार, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की बहुमत से जो सरकार बनी, तो जो गारंटियाँ पूरी की, महतारी वंदन योजना ले लीजिए आप, आवास योजना ले लीजिए, किसानों को बोनस ले लीजिए, तो वो भी जहन में एक किसानों के थे, युवाओं के था। तो मोदी की गारंटी की बात जो भाजपा लगातार कर रही थी, तो वो वादे भी जहन में नजर आते रहे, और इन सब तमाम ठीक लौटूंगी आकाश आपके पास। तनु वर्मा रायपुर से जुड़ी हुई है। तनु, कैसा उत्साह आज मतदाताओं में देखा गया, क्या जहन में लेकर के पहुंचे थे, और किनकी संख्या आपने सबसे ज्यादा देखी? क्या युवा सबसे ज्यादा पहुंचे, फर्स्ट टाइम जो वोट कर रहे होंगे वो ज्यादा पहुंचे, महिलाएं पहुंची, किसमें ज्यादा उत्साह आपको देखा, आपने देखा? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर लोकसभा सीट जो है वो छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, क्योंकि 1996 से रायपुर लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में भाजपा की गढ़ माने जाने वाली रायपुर लोकसभा सीट में 8 बार के विधायक रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने विकास उपाध्याय पर जो है दाव खेला है। ऐसे में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला अपना यहाँ पर राजधानी रायपुर में इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा है। और रही बात मतदान केंद्रों में मतदाताओं के उत्साह और वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें, तो शाम 5 बजे तक जारी आंकड़े के मुताबिक रायपुर लोकसभा सीट पर 61.25% मतदान हुआ है, और सुबह सुबह जो है मतदान केंद्रों में
थोड़ा सा धीमी गति से मतदान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय होते गया मतदाताओं में बेहद उत्साह जो है वो देखने को मिला है और मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पहुंचे। हर एज ग्रुप के लोग मतदान केंद्रों में नजर आए हैं और उसके बाद अभी भी रायपुर लोकसभा सीट के कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें जो है लगी हुई है। हालांकि इस दौरान मौसम ने थोड़ा सा खलल डाला, लेकिन इसके बाद भी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक उसी तरह तीसरे चरण के चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बहरहाल 168 कैंडिडेट का भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो चुका है और सभी को इंतजार केवल 4 जून का है कि आखिर किसके पक्ष में नतीजा जो है वो आता है। ठीक तनु, बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, कैसा रहा उत्साह आज, मतदान कैसा रहा, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखा गया और वहां का जो मौसम का मिजाज है वो भी कैसा रहा? देखिए, मौसम के मिजाज की बात करूं तो उसकी वजह से अभी भी जो मतदान केंद्र है वहां पर लाइट गुल है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है यहां पर पीठासीन अधिकारी और मतदान दलों को। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद दोपहर बाद से ही लगातार जो है मौसम बदला और उसके बाद से जो लाइट बिजली गुल की जो आँख मिचोली है वो शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई बार ऐसे देखने को मिला कि कई बार मतदान की जो प्रक्रिया है उसको रोकनी पड़ी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर जो पीठासीन अधिकारी है वो अपने काम को पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजली एक बड़ी बाधा बनी इस पूरे मतदान के दौरान। हालांकि यहां पर 2251 मतदान केंद्र है जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक मतदाताओं ने को वोटिंग करना था। हालांकि अभी वोट प्रतिशत जो है 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 60.5% रहा है। हालांकि जो अधिकारी है उनका कहना है कि अभी भी कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर वोटर्स मतदान कर रहे हैं, उनका आंकड़ा आना भी बाकी है। लेकिन आप स्थितियों को देख सकते हैं कि मौसम बिगड़ने के बाद से जो स्थितियां निर्मित हुई उसकी वजह से काफी दिक्कतों का यहां पर सामने करना पड़ा। इसके अलावा आपको बता दूं कि चूंकि अब कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो आप इधर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो BU है और CU है और उसके अलावा जो VVPAT है उसको यहां पर सील कर दिया गया है, बाकायदा सील लगा दिया गया है। अब इंतजार है तो इन BU, CU और VVPAT को स्ट्रांग रूम तक ले जाना सुरक्षित ढंग से। तो तमाम जो अव्यवस्थाओं के बीच जो है यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। अब इस स्ट्रांग रूम में इसे यहाँ से जमा करेंगे पीठासीन अधिकारी। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं, किस तरह की समस्या सामने आई आपको और क्या अभी की प्रक्रिया रहेगी? आज की डेट में जो चुनाव प्रक्रिया कराए हैं सुबह के टाइम तो ठीक ठाक रहा, लेकिन शाम के वक्त मौसम खराब होने के वजह से वोटिंग प्रक्रिया में बाधित हुआ है और जो हमारे अधिकारीगण है उनको भी परेशानी हुई है। आप अपनी बात जारी रखिए उमेश। श्रवंत का रुख करूंगी, अंबिकापुर से लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवंत, आखिर लोकतंत्र के महापर्व को कैसे अंबिकापुर वासियों ने मनाया, कैसी तस्वीरें आई वहां से? बिल्कुल, आखिरी और तीसरे चरण का मतदान आज 6 बजे संपन्न हो गया है और सुबह से ही जो लोगों को रुझान था वो काफ़ी देखने को मिला था। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें थी। हालांकि 3 बजे के बाद थोड़ा मौसम में खराबी हुई, इसके बाद थोड़ा सा विघ्न जरूर पड़ा, लेकिन इसके बाद से ही जो 5 बजे से 6 बजे के समय में जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 5 बजे तक 74% तक का वोट प्रतिशत जो है यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अगर पिछली आंकड़ा की बात करें तो 77% 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखने को मिला था। तो लगभग ये देखा जा रहा है कि 77% तक का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचेगा। और अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दलों में टक्कर थी। एक तरफ भाजपा की चिंतामणि महाराज से तो जी शशि सिंह भी कांग्रेस की तरफ थी और दोनों ही जो पार्टियों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया था और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अच्छा रहा और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके इस महापर्व में लोगों ने हिस्सा लिया, अलग अलग जगह से पहुंचे और आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का।
प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बिलासपुर में तेज हवा के साथ ही बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं मुंगेली का जिक्र करें तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला। तो कवर्धा में भी झमाझम बारिश हुई, कोरबा और दुर्ग में बारिश हुई। वहीं अंबिकापुर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक की मौत भी हुई। छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। तेज हवा के साथ बारिश और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता नजर आया। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे